हर किसी की इच्छा, हर किसी की आकांक्षा होती है। जैसे आप बनना तो किसी का लिमिटेड ही को है। आत्मनिर्भर बिहार का जो वादा हम सबों ने किया था, उसको नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिनके साथ केंद्र के स्तर पर गठबंधन है उनके क्षेत्रीय स्तर पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आपको बता दें कि विस्तार होने के बाद बीजेपी के नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। इसको लेकर जब आज हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। दीनदयाल जी के अंत्योदय का जो विचार था, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का वही लक्ष्य है। और आज जब 34 लाख करोड़ का बजट भारत के गरीबों के लिए, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के लिए आया है, तो दीनदयाल जी की पुण्यतिथि की सच्ची श्रद्धांजलि यही है। सर, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो बातें मंत्रिमंडल को लेकर कही है, सर उस पर क्या पार्टी क्या कुछ संज्ञान ले रही है? थोड़ा सा देखिए, हर किसी की इच्छा, हर किसी की आकांक्षा होती है। जैसे आप बनना तो किसी का लिमिटेड ही को है। सब हम आपस में एक परिवार के हैं। आपके भी परिवार में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, सब मिलकर चलाएंगे। दिल्ली सर गए हुए हैं सर, वो तो उसका जवाब तो वही देंगे माननीय मुख्यमंत्री। आज मुलाकात होनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होनी है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मिल करके आत्मनिर्भर बिहार का जो वादा हम सबों ने किया था, उसको नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात होगी। बंगाल चुनाव को लेकर भी क्या गठबंधन साथ में रहेगा, इस पर कुछ क्या देखिए, हमारे सभी के साथ क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन होता है, केंद्रीय स्तर पर अलग होता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिनके साथ केंद्र के स्तर पर गठबंधन है उनके क्षेत्रीय स्तर पर है। शिवसेना हमारे 30 साल के साथी थे पर कभी उनके साथ गठबंधन नहीं रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी क्या सर, ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्राधिकार की है, वहीं पर उसका जवाब। एक मामला सामने आया है सर कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना जांच में गड़बड़ी सामने आई है, एक बड़े संस्थान की तरफ से ये खुलासा किया गया है मीडिया हाउस की तरफ से। अभी मैंने देखा नहीं है और मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं। हम सब बहुत ही ऑथेंटिक वे से और हर जिला का जो सिविल सर्जन कार्यालय है वह खुद सभी की अच्छे से जाँच कर रहा है। सुना साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि एक परिवार के लोग हैं, कोई भी पार्टी में अनबन नहीं है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मंत्री किसी एक को ही तो बनना होता है, आकांक्षा तो सबकी होती है, पर जो पार्टी में जिस तरह से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, इसको लेकर साफ तौर पर आज बीजेपी की पी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि एक परिवार में अनबन होती है पर हमारा जो एनडीए का परिवार है वो पूरी तरीके से एकजुट है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।